इस समय इंडिया पावर न्यूज पर यूपी से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से बचाव को शिक्षा मित्र देंगे 8 लाख। नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम में जहां बॉलीवुड स्टार से लेकर तमाम दिग्गज नेता और समाज सेवी आगे आ रहे हैं, वहीं यूपी के बदायूं जिले के शिक्षा मित्रों ने इस आपदा से निपटने के लिए 8 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बीएसए के माध्यम से डीएम को सौंपा पत्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दुनिया भर में आई कोरोना वायरस की भीषण महामारी से बचाव के लिए जिले भर के 2769 शिक्षा मित्र शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दिन के मानदेय से 8,93,225 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए शिक्षा मित्र संघ देश व प्रदेश सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर जिले के सर्व शिक्षा अभियान के 2,516 और बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 253 शिक्षा मित्र शिक्षक शिक्षिकाओं ने कोरोना वायरस जैसी विषम परिस्थितियों में 8,93,225 रुपए धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। संघ के मीडिया प्रभारी श्याम निवास ने बताया कि बीएसए के माध्यम से डीएम को पत्र भेजकर उनके मार्च माह के मानदेय से एक दिन का मानदेय काट लेने के लिए पत्र भेजकर अवगत कराया है। इस मौके पर अनिल कुमार, जहीर इस्लाम, राजेश गुप्ता, लक्ष्मण सिंह, दिनेश चौधरी, रईस अहमद, प्रमोद शंखधार, धर्मपाल राजपूत, रेखा रानी, श्याम निवास, शमीम हुसैन, सत्येंद्र उपाध्याय आज मौजूद रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। मैं अमित कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन, जनपद बदायूं। देश में आई कोरोना वायरस द्वारा भीषण महामारी को देखते हुए हमने अपने प्रदेश संगठन के आह्वान पर अपने जिले के समस्त शिक्षा में साथियों के साथ एक दिन के मानदेय की धनराशि लगभग 9 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है एवं हमारे जनपद के समस्त साथीगण सरकार के लॉकडाउन का अपने अपने गांव में पालन कराते हुए सरकार के साथ हैं।